हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एआर एजुकेशनल हब। तो मैं आपको एक सबसे बड़ी अपडेट दे दूं, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो कि तमिलनाडु को नीट से मुक्त कराने के लिए राष्ट्रपति की सहमति लेगी सरकार। अब ये क्या पूरा डिसीजन है, तमिलनाडु आप लोगों को पता है कि एक बार यहाँ पर एक बार बात कही गई थी कि नीट एग्ज़ाम को ना करवाया जाए। नीट एग्ज़ाम जैसे बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हुई थी, वैसे ही यहाँ पर नीट एग्ज़ाम को कैंसिल करवाने की बात कही गई थी। तमिलनाडु सरकार मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राज्य को राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा के दायरे में मुक्त कराने के लिए राष्ट्रपति की सहमति लेने का आवश्यक कदम उठाएगी। नवगठित 16वीं विधानसभा में अपनी पारंपरिक भाषा में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि राज्य सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग छात्रों को नीट के प्रतिकूल असर अध्ययन करने के लिए अनुप न्यायमूर्ति के राजन अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। फ्रेंड्स, क्या मैटर है यहाँ पर देखना बेहद ज़रूरी होगा कि नीट एग्ज़ाम के बारे में क्या कहा जा रहा है। आखिर तमिलनाडु को नीट एग्ज़ाम क्यों करवाने की बात कही जा रही है। उपराज्यपाल ने कहा कि समिति के सिफारिशों के आधार पर सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक कानून लगाएगी कि राज्य में छात्र नीट से बुरी तरह प्रभावित ना हों। श्री पुरोहित ने कहा कि सरकार इन कानूनों के लिए राष्ट्रपति की सहमति लेना आवश्यक कदम उठाएगी। गौरतलब है कि यहाँ पर एक और बात, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि गौरतलब है कि यहाँ पर द्रुमुक ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में राज्य के लिए नीट परीक्षा नहीं करवाने का वादा किया था। भाई, एक अलग ही मैटर है, नीट नहीं करवाने की बात कही जा रही है तमिलनाडु में अभी तक, और इसको लेकर ये बात अब राष्ट्रपति तक भी पहुँचने वाली है। देखना है कि क्या हो सकता है, अब ये कहाँ तक ये बात जा सकती है। इससे पहले तमिलनाडु के CM ने कहा था कि एग्ज़ाम नहीं करवाई जाए, कैंसिल करवा देनी चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम को। जैसे अब देखते हैं क्या होता है।